हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ। लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंड बैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लिपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कलवा में टोरेंट का मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। अच्छी बात है, लोग काफी परेशान हैं। कहना और करना, करवाना, ये अलग अलग पहलू है, अलग अलग इसके मायने हैं। पहले तो एक दूसरे पर टोकरा फोड़ा गया, ये काम हमने नहीं उनके टाइम में लाया गया। लेकिन इसका समाधान क्या है? क्या सिर्फ टोरेंट पावर एक मुद्दा बनकर रह जाएगा या फिर इसमें सुधार होगा? जो लोग परेशान हैं उनका समाधान निकलेगा। हम आपको 4 महीने पीछे लेके चलते हैं, विक्रांत चौहान के पास, जहां उन्होंने क्या कहा था, पहले सुनिए। एमएसईबी में रीडिंग के अनुरोध पर ही बिलिंग होता है, पर यूनिट रेट रहता है रीडिंग के अनुरोध पर। दुकानें बंद भी है तो जो एवरेज बिल रहता है, कमर्शियल मीटर रहता है, एवरेज बिल रहता है, उसी हिसाब से बिल आए हैं। किसी का ऐसा बड़ी तादाद में किसी के बिल ज़्यादा नहीं आए। किसी ये तोरण है, मैं अध्यक्ष बनने के बाद मैं जब जब कलवा मुंब्रा में, मैं ज़्यादातर कलवा मुंब्रा में घूमा, मैंने देखा कि लोग टोरेंट से परेशान है। नो डाउट टोरेंट से लोग परेशान है। टोरेंट के मामले में आपको जो जो जानकारी है, क्या तकलीफें हैं लोगों की, ये थोड़ा मेरे सामने रखिए, एक अभ्यासिका मेरे सामने रखिए, एग्रीमेंट टोरेंट का ले लीजिए, वो एग्रीमेंट पर मैं पढ़ूंगा क्या है, मैं खुद अभ्यास करूंगा। एक अलग तरीके से आंदोलन छेड़ के थाना कलवा मुंब्रा बिटावा कौसा और दीवा में अलग तरीके से आंदोलन कांग्रेस छेड़ेगी। मैं बीजेपी और शिवसेना को भी ये अपील करूंगा कि आप जब युति सरकार में थे, आपने ये टोरेंट लोगों पर लादा था, तो आज आप लोगों के सामने क्या मुंह लेकर जाओगे? तो आपने सुना ठाणे शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के विक्रांत चौहान की बात। पहले तो उन्होंने कहा एवरेज बिल भेज रहे हैं, तो इसका सुधार कब होगा? दूसरी तरफ कहते हैं बीजेपी सरकार ने लाई है, लेकिन बीजेपी कहती है महाआघाड़ी सरकार ने लाई है, और तीसरी तरफ कहते हैं मैं टोरेंट पे अभ्यास करूंगा, मैं खुद पेपर पढ़ूंगा और इस पे काम करूंगा। कब काम करेंगे? इस बात को लेकर 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन काम कब करेंगे? फिर वही कहते हैं मुझे नहीं लगता कि बिल ज्यादा दुकानों के आए हैं। बाद में कहते हैं टोरेंट पावर से मुंब्रा कौसा कलवा परेशान है। 50% लोग कहते हैं, यानी कंज्यूमर की बिलों की सुधार करती है टोरेंट तो कोई आपत्ति नहीं होगा, और 50% लोग कहते हैं टोरेंट हटाओ मुंब्रा बचाओ। विक्रांत चौहान जी, आपने बोले हुए वादे पर कब खरे उतरेंगे? या फिर कहना आसान है करना मुश्किल है। आज मुंब्रा के अमृत नगर के समीप खतीजा हॉल में दोपहर 2 बजे के करीब कार्यकर्ताओं को पद वितरण किया गया। लोग भारी तादाद में कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम के आयोजक सुहेल पठान और युवा नेता आशीष गिरी और मनोज प्रधान सहभागी हुए। उन्होंने कहा या किसी चीज की यहां पर किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। एक तरफ आप कहते हो किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। सुनिए मनोज प्रधान ने क्या कुछ कहा है। सत्ता पलटी हो जाएगी, जो मुंब्रा ने आज जलवा देखा, युवकों का, हमारे सोहेल जो यहाँ पर जलवा कर रहे हैं, उससे पता हो रहा है कि आने वाला दिन एक कांग्रेस का रहेगा। रूट कांग्रेस के माध्यम से मैं आज ये कहना चाहूँगा कि बिजली के लिए सबसे पहला रास्ता रोको आंदोलन मनोज सिन्हा के नेतृत्व में सभी कांग्रेस वालों ने यहाँ पर शुरुआत की। उसने कोई पार्टी वाले यहाँ नहीं कर रहा है, आगाड़ी की बात यहाँ पर मत कीजिएगा, मेरी संगठन की बात कर रहा हूँ मैं। आगाड़ी होगी या जाएगी अक्सर मैंने कहा है, मगर लोगों की तकलीफ के नीचे पीछे रहना ये हमारा कर्तव्य है, और वो जब तक उसका निर्णय होता नहीं लोगों के बारे में, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। विक्रांत चौहान जी उसके बाद भी आज आंदोलन सिग्नेचर कैंप आप देख रहे हैं,
पिछले हफ्ते भी यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है और हमारी ये लड़ाई चालू है। जब तक ये मुमराहों को न्याय बिजली के बारे में नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। सभी लोगों के माध्यम से हर स्तर पे, फिर वो गरीब हो, अपंग हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जो भी है, महिला हो, जो भी पीड़ित है प्रश्नों से, उसके लिए अभी हम लोग एक दरबार भी चालू करने वाले हैं। लोगों के पास जाने के लिए हर गली गली में दरबार चलेंगे और ये सरकार में हम बैठे उसका फायदा लोगों को देने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना क्या कहा? जैसे कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, मुमरा शहर में मुद्दों का भरमार है, लेकिन करेगा कौन, सिर्फ बोलना ही तो है, बोल देते हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।